सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब हम लोग यहाँ इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका जो न्यूमरेटर हो वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर जो हो वो छोटा हो। जैसे 10/3 एक एग्जाम्पल हुआ, -5/3, ओके, -4/3, ओके, ये 3 ही में ले रहा हूँ, बार बार यहाँ 2 ले ले, ठीक है। तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। इसका मतलब ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमिनेटर बड़ा हो। तो देखिए इम्प्रॉपर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि 3 अब आप किसी चीज़ के नीचे रखते हैं और उसके ऊपर 10 रखते हैं तो इम्प्रॉपर है, क्योंकि वो हट ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक 3 किलोग्राम का एक बॉडी है और उसके ऊपर आप 10 किलोग्राम का बॉडी रखेंगे तो ये तो दबने लगेगा ना, इसीलिए इम्प्रॉपर इसको बोलते हैं, मतलब नीचे छोटा और ऊपर बड़ा। ओके, तो आज हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या स्टेप होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसे 10/3 एक एग्जाम्पल ले लें, 10/3, तो सबसे पहला स्टेप है इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग पहले, 10 ऊपर है तो 10 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, 10 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 टाइम्स में 9 आ जाएगा, बचेगा 1। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 को, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटीग्रल 1/3 ऐसा। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपने अर्लियर क्लास में, याद रहे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसमें पहला जो स्टेप आपका होगा दैट इज टू चेंज इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटीग्रल 1/3। इसका मतलब 3 इंटीग्रल 1/3 का मतलब कि जो 10/3 जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1/3। ओके, ये बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर इस ऐसा आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में इसका मतलब ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है आपका नंबर लाइन एक ड्रॉ करना। ओके, नंबर लाइन तो हमें 3 दिखना चाहिए वहां, तो -1 मान लीजिए इधर, तो हमें कोई मतलब नहीं माइनस में, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो हमारा नंबर 10/3 कहाँ लाई कर रहा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना, और सेकेंड स्टेप क्या है, ये देखना कि हमारा नंबर कहाँ लाई कर रहा है। तो ये कहाँ लाई करेगा, 3 से 4 के बीच में, 3 पे हम पहुंच गए, 3 से और कितना आगे जाना है, 1/3। तो क्या करेंगे, 1/3, 3 तक पहुंच गए, और 1/3, तो यहाँ 3 और 4 के बीच में 3 हिस्से करेंगे, तो 2 बार जब ड्रॉ करेंगे तो 3 हिस्सा बन जाएगा, 1 एंड दिस इज 2। ओके, देखिए तो बन गया 3 हिस्सा, 1 2 3, देयर आर 3 पार्ट्स है, इसमें से पहला पार्ट आपको ले लेना है, ये हुआ पहला पार्ट। तो ये क्या नंबर हो गया, ये क्या हो गया, 3 इंटीग्रल 1/3, मतलब 10/3। समझ में आ गई बात, तो 10/3 एक इम्प्रॉपर है, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। ओके, तो इसको सबसे पहले बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में 3 इंटीग्रल 1/3, इसका मतलब 3 तक हमारे पास है और 1/3 और इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो फिर वही वाला मेथड, इसमें 3 से 4 के बीच में 3 हिस्से कीजिए, उसमें से पहला हिस्सा ले लीजिए, यही ना क्या हो गया, 3 इंटीग्रल 1/3 हो गया, जो कि 10/3 के बराबर है। ओके, सो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट इन प्रोपोर्शनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। ओके, सो इसे ध्यान से आप देख लीजिए, सो हेयर इज एन अनदर एग्जाम्पल, 9/2। ओके, सो 9/2 ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर। ओके, तो इम्प्रॉपर तो पहला क्या होगा हमारा स्टेप, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। देखिए ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब 9/2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 1/2।
ओके सो 9 बाई 2 का क्या लिख सकते हैं, 4 इंटीग्रल 1 बाई 2, ओके सो दिस इज योर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, ओके तो इसे हम लोग मिक्स्ड में बदल दें। अब वही स्टेप, तो हमारा 9 बाई 2 कहाँ है, 4 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कितना, आधा, 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब आधा होता है। तो क्या करेंगे इसके बाद, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके ये है माइनस 1, यहाँ है 0, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके चलिए हमारा नंबर कहाँ है 9 बाई 2, 4 इंटीग्रल 1 बाई 2, 4, 4 तक पहुंच गए, और 4 के बाद और कितना आपको लेना है, 1 बाई 2, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में कितने हिस्से करने हैं, दो हिस्से, तो एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे तो दो हिस्सा हो गया, इसमें से पहला हिस्सा ले लेना है, एक ही ले गए, तो ये है आपका 4 इंटीग्रल 1 बाई 2, 4 इंटीग्रल 1 बाई 2 किसके बराबर है, 9 बाई 2, ओके सो दिख रहा है, तो 9 बाई 2 इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को पहले मिक्स्ड में बदलें, और मिक्स्ड में बदलने के बाद जो इंटीग्रल पार्ट था वहां तक पहुंच गए, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को इसमें अपना रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हो गया हमारा 9 बाई 2, ओके दिस इज योर 9 बाई 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट्स लिख सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके सो इन दिस वे हम लोग इम्प्रॉपर और प्रॉपर रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक निगेटिव वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके ये तो हो गया होगा, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको ये लिखना है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद उसके उसे लिख लीजिए, ओके सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग्स वर बार्किंग, सो है माइनस 5 बाई 2, ओके सो ये है निगेटिव, ओके निगेटिव, लेकिन है तो ये इम्प्रॉपर ही, क्योंकि ऊपर वाला जो है, अगर ये निगेटिव को हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, इसे भी ठीक उसी तरीके से बदल देंगे मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में आप बदल के देखिएगा, ये आएगा माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई 2, ओके अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक यहाँ लिख देते हैं, ओके दिस इज जीरो, थोड़े दूरी पे लिखते हैं ताकि दिखे आपको, यहाँ है जीरो, यहाँ है 1, यहाँ है 2, माइनस में है, यहाँ है 3, और आगे यहाँ माइनस 4 है, ओके क्या है, माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई 2, माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई 2, मतलब माइनस 2 और फिर 1 बाई 2 और कम इसमें, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, ये निगेटिव है तो हमें और उधर जाना है, राइट साइड नहीं जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस 2 तक हम पहुंच गए, अब उसके बाद 1 बाई 2, इसका मतलब माइनस 2 से माइनस 3 के बीच में 2 पार्ट करना है, उसमें से पहला पार्ट ले लेना है, ओके तो माइनस 2 तक पहुंच गए, यहाँ से 2 पार्ट करने के लिए एक लाइन करेंगे, दो पार्ट हो गया, और इसमें से क्या करने है, ये वाला पार्ट लेंगे, तो ये हो गया माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई 2, माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई 2 किसके बराबर है, माइनस 5 बाई 2, ओके सो माइनस 5 बाई 2, तो इस प्रकार हम लोग इम्प्रॉपर ये निगेटिव को भी इसी प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, ओके सो दैट्स ऑल।